दोस्तों मोदी जी को खुद अपने लिए गए फैसले पर ही यूटर्न लेना पड़ रहा है। मोदी जी और उनकी सरकार ऐसा एक कानून लेकर आ रही थी जिस पर फिलहाल के लिए मोदी जी को हाथ धोना पड़ गया। विपक्ष ने और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लाल आंखें सरकार को दिखाई कि चुनाव आयुक्तों पर लिए गए फैसले से मोदी जी को दूरी बनानी पड़ रही है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको कि किस वजह से मोदी जी को सत्र से विशेष सत्र से महज एक दिन पहले अपने बिल पर ही जो है यूटर्न लेना पड़ गया और पलटी मारनी पड़ गई, बताएंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज सदन में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दी वो वाकई एक प्रधानमंत्री का ही भाषण था। उन्होंने जिस तरह से सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया, अंबेडकर से लेकर के अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी, वो काबिले तारीफ है। लेकिन माना यह जा रहा है कि मोदी जी को घुटनों पर आना पड़ गया। मोदी जी एक ऐसा बिल लाने की कोशिश कर रहे थे जिस पर फिलहाल के लिए मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ा। दोस्तों माना जा रहा था कि अगर सीबीआई तोता है तो चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने के लिए एक बिल लेकर आ रही थी सरकार, जिसे फिलहाल के लिए सरकार को रोकना पड़ गया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके पदों की डाउनग्रेड वाले बिल पर सरकार को मोदी जी को पीछे हटना पड़ गया। इसके पीछे वजह विपक्ष का विरोध है, सुप्रीम कोर्ट की खुली चेतावनी है और इसके चलते जिसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी लोकसभा में चर्चा के लिए सरकार लाने जा रही थी। बकायदा इसके लिए लोकसभा वेबसाइट पर जारी भी कर दिया गया कि इस बिल को इस बार सदन में पारित कर दिया जाएगा, लेकिन विशेष सत्र के महज एक दिन पहले सरकार ने इसे मजबूरन वापस ले लिया। हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए दोस्तों। चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले बिल को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है। सरकार ने रविवार को जिन 8 बिलों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी है उनमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल शामिल नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब नए सिरे से बदलाव किए जाने के बाद ही बिल को सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दरअसल चर्चा ये थी कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव वाला बिल इसी सेशन में पास करेगी। इसके तहत आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के दर्जे की बजाय कैबिनेट सचिव वाली हैसियत दी जानी थी, जिसके लिए भयंकर विरोध हुआ। सारे एक्टिविस्ट, सारे जितने भी पूर्व चुनाव आयुक्त रहे और साथ ही साथ विपक्ष ने इसका घोर विरोध किया और इसका नतीजा ये निकला कि सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ गया। और साथ में जिस तरह से सिलेक्शन कमिटी से मोदी जी सीजीआई चंद्रचूड़ को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की कोशिश में जुटे हुए थे, वहां से भी उनको पीछे हटना पड़ गया। यानी अब भी अगर चुनाव आयुक्त की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दखलंदाजी होगी। यानी कहीं ना कहीं सीजीआई चंद्रचूड़ के आगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे सरकार को झुकना पड़ गया। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की जो एक निष्पक्षता है उसके साथ समझौता के तौर पर मान रहा था। यानी विपक्ष कह रहा था कि जो निष्पक्ष चुनाव आयोग इस वक्त है वो अब और स्वतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, प्रधानमंत्री करेगी और कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे। 9 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को खत भी लिखा था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अब सरकार खुद अपने स्तर पर भी बदलाव की जरूरत महसूस कर रही है। ये अच्छी बात है कि वो महसूस कर रही है, इसीलिए बिल को कुछ वक्त के लिए इंतजार में डाला गया और संशोधन के बाद इस बिल को फिर से पेश किया जाएगा। यानी सरकार ने अपनी गलती मान ली है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब आगे चल के जो है विश्लेषकों का कहना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे चल के सीजीआई को भी इस सिलेक्शन कमिटी में सरकार शायद शामिल कर सकती है। और साथ ही साथ जो जिस तरह से चुनाव आयुक्तों को जिस तरह से डाउनग्रेड किया जा रहा था, उनको जिस तरह से कैबिनेट सचिव का जो रैंक है वो देने की कोशिश हो रही थी, उस पर भी अब विराम चिन्ह लगेगा। इस बिल को लेकर के सबसे बड़ी आपत्ति यह रही कि आखिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया जा रहा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल का चीफ जस्टिस भी हिस्सा होते हैं। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसी
इसी साल मार्च में आदेश दिया था, इसलिए इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला माना भी जा रहा था। अब जो बिल सरकार लाने की कोशिश कर रही थी उसमें सरकार ये चाह रही थी कि प्रधानमंत्री उस इलेक्शन कमेटी का मेंबर होंगे या प्रधान अध्यक्ष होंगे, नेता विपक्ष होंगे और पीएम मोदी खुद एक केंद्रीय मंत्री को चुनेंगे अपने कैबिनेट से। यानी पूरी तरह से जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो एक तरह से प्रधानमंत्री ही तय करेंगे। इसी को लेकर के खास तौर पर आपत्ति है और विपक्ष इसे चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उसके साथ छेड़छाड़ करने वाला बिल बताया है। साथ में चुनाव आयुक्तों की रैंक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं, जिसे अब सरकार घटाने जा रही थी। और यह बिल एक बार इंट्रोड्यूस तो हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा सरकार थोड़ा बदलाव करके इसे फिर से लागू करवाएगी, लेकिन बदलाव सरकार को करना पड़ेगा और सरकार ने अपनी गलती मान भी ली, क्योंकि इसमें वजह कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने महज एक हफ्ता पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव में दखल देने का पूरा हक है। अगर चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट जो है वो मार्गदर्शक बनकर नहीं रह सकती। अगर कोई अफसर गलत करता है, गलत करता हुआ पाए जाते हैं तो कोर्ट का दायित्व है कि वो ऐसे मामले में दखल दे। बेंच ने कहा था कि लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया चुनाव होती है। चुनाव के जरिए ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिनके जरिए एक सरकार बनती है और देश या किसी सूबे को चलाती है। इस सारे मसले में सबसे अहम चीज है चुनाव। चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो जनता के जरिए चुना हुआ प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में पहुंचता है, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट दर्शक बनकर नहीं रह सकती। ऐसे में उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देना ही पड़ेगा। किसी और मामले में ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटाक्ष करते हुए ये बात साफ कर दी थी, जिसका असर जो है अब देखने को मिला है। चुनाव आयोग को हाईजैक करने वाली बिल सरकार जो है लाने की कोशिश कर रही थी, जिसे अब सरकार को वापस लेना पड़ गया। सरकार को अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो है बैकफुट पर आना पड़ गया। क्या सीजीआई को जिस तरह से मोदी सरकार हटाने की कोशिश कर रही थी वहां पर पूरी तरह से सरकार फेल साबित हुई? इसके बाद क्या संशोधन होता है और नवंबर में जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा या उससे पहले जो सत्र है, क्या उसमें इस बिल को फिर से रिमॉडिफाई करके इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? क्या सीजीआई को फिर से बहाल किया जाएगा सिलेक्शन कमिटी में? क्या चुनाव आयुक्तों की जो रैंक है उसे अब कैबिनेट सचिव से हटा करके थोड़ा सा उच्च पद पर उन्हें रखा जाएगा? ये तमाम सवालों का जवाब जल्द हमें मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये तो साबित हो गया कि सरकार बैकफुट पर आ गई इस बिल को लेकर के। तो इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? कि आपको भी लगता है अगर ये बिल पारित हो जाता, कानून में बदल जाता, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग वैसे भी खतरे में है और पूरी तरह से तोता बन जाता चुनाव आयोग, गोदी आयोग में तब्दील हो जाता? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।